की खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आ रही है, जहां संदेश माहेश्वरी बेसहारा गरीबों के मसीहा बन गए हैं। उन्होंने गरीबों के लिए आजीवन निशुल्क भोजन व्यवस्था शुरू की है, जो हर रात 7 से 8:30 बजे तक चलती है। उन्होंने अपने पिता अनिल पन्नालाल माहेश्वरी की आत्मा की शांति के लिए और उनकी स्मृति में यह निशुल्क भोजन व्यवस्था शुरू की है। गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था शुरू करके संदेश माहेश्वरी ने संदेश दिया है कि गरीबों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके बेटे आर्यन माहेश्वरी ने बताया कि निःशुल्क भोजन व्यवस्था शुरू करना पापा का सपना था, जिसे उन्होंने आज दादा अनिल माहेश्वरी की याद में शुरू किया है, जो बहुत अच्छा काम है। नमस्ते, मैं संदेश माहेश्वरी। ये रेलवे स्टेशन के सामने जो साईं बाबा का मंदिर है, यहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं उनको थोड़ा खाने की परेशानी आ जाती है, तो शाम में मैंने जीवन भर के लिए उनको कहा, जीवन इनको खाना दूंगा, जो भी खाना रहेगा। जो लोग एकदम बेसहारा बेसहारा रहते हैं, उनके लिए मैंने साथ दिया है जिंदगी। मेरे पप्पा अनिल कुमार पन्नालाल माहेश्वरी की स्मृति में किया है। अभी जो भी है साईं बाबा का आशीर्वाद है, जो भी बनेगा पूरा होगा। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पापा ने बहुत अच्छा काम किया है। जो बेसहारा लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, भिक्षुक है यहाँ रेलवे स्टेशन में, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया है मेरे पापा ने, जो कि बहुत अच्छा काम है। अन्नदान से बड़ा कोई वैसे भी जो दान नहीं होता। इंसान जो कुछ भी करता है रोटी के लिए ही करता है, तो जो है मेरे पापा ने जीवन भर के लिए आजीवन जो है गरीब लोग है जो उनके खाने का बंदोबस्त किया है। एक रोटी, एक सब्जी और अचार रहेगा, रोज अलग अलग सब्जी रहेगी, सब मेरे पापा ने किया है।